बाढ़ आपदा सहायता राशि नहीं मिलने से खटीमा और नानकमत्ता क्षेत्र के विभिन्न ग्राम सभाओं से आए लोगों ने उप जिलाधिकारी खटीमा का घेराव किया। उनका कहना था कि 7 और 8 जुलाई को बाढ़ आपदा आए, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें सहायता राशि प्रदान नहीं की गई है, जिसमें भाजपा के पूर्व विधायक प्रेम सिंह राणा ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत सहायता राशि प्रदान की गई है और खाद्य सामग्री प्रदान की गई है, जिस पर आपदा राशि नहीं मिलने को लेकर और एक्सपायरी खाद्य सामग्री वितरण किए जाने को लेकर उस पर चर्चा की गई। वही उनका कहना है कि सहायता राशि पात्र व्यक्ति को मिलनी चाहिए। उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि जिन क्षेत्रों में सहायता राशि नहीं बांटी गई है, क्षेत्र का सीमांकन किया जा रहा है और पटवारी द्वारा सर्वे कर उनको सहायता राशि प्रदान की जाएगी। उधम सिंह नगर, खटीमा से ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। ऐसे में नहीं देना है, लिस्ट में लिस्ट बना के देना, इनका अलग केस है। नाम और वो लिखो, नौ वन टू गांव कौन नंबर ले उसके तहत जो नियम निर्माण टूटी है मौके में जाके दिया है। आपके जो कुछ आदमी छूट गए हैं उनकी लिस्ट आप बना के एसडीएम साहब को मिलता है, तो एसडीएम साहब को आपके आपका पूरा अधिकार पूरा है। देखिए आपदा से संबंधित जो 7-8 जुलाई को जो आपदा आई थी, उस आपदा में जगह जगह मतलब कई स्थानों में पानी भी भरा था और खटीमा पूरा जलमग्न रहा। खटीमा से लेकर सितारवे नाना मता ये सभी स्थान जलमग्न रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मतलब इनको तत्काल प्रभाव से किसी तरह का खाने पीने की दिक्कत ना हो, सामान खराब ना हो, उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल धनराशि अवमुक्त की और प्रशासन भी मतलब लगातार इस सहयोग कर रहा है। तो आज जो एसडीओ साहब से जो बात हुई थी, जो एक विषय पे मतलब जिसमें एक्सपायरी डेट में वो खाद्यान्न मिला था, उस पर भी चर्चा हुई थी, उस पर भी कार्रवाई करी है। लेकिन मेरा ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निर्देश दिए गए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सहयोग राशि यहाँ के लिए किया है, तो पात्र व्यक्ति को मिल जाना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री का बहुत धन्यवाद करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है और जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है कि जो भी पात्र व्यक्ति को छोड़ कर उनका एक सर्वे करके उन पात्र व्यक्ति को हम सहायता राशि प्रदान करें। इसी सिलसिले हम 2-3 दिन से वेरिफिकेशन का काम कर रहे हैं। जो पात्र व्यक्ति छोड़ गए हैं उनके टीम बनाकर, हमारे परिवार की टीम बनाकर उनका हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं और उनको जल्दी 2-3 दिन के बाद उनको धनराशि उपलब्ध करा रहे हैं। धन्यवाद।